हेलो, माय नेम इज़ तरुण अगरवाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में इन्वॉल्व हैं तो आप लोगों के लिए एक छोटा सा मैसेज है। थ्रू माय सम एक्सपीरियंसेस इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, जो कि हो सकता है आप लोगों के लिए वैल्यूएबल हो, वो ये है कि बहुत सारे जिम ट्रेनर्स, जो जिम के ट्रेनर्स होते हैं ना, वो नेटवर्क मार्केट, कुछ नेटवर्क मार्केट से ज़्यादा अच्छे हैं। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? बिकॉज जस्ट अंडरस्टैंड करिए इस चीज़ को, जस्ट समझिए कि आप ऐसे सोचिए कि अगर मान लीजिए आप जिम जाते हैं और जिम में एक ट्रेनर होता है और आप उस जिम के ट्रेनर को क्या बोलते हैं कि सर मेरे ना एक्चुअली पेट बहुत ज़्यादा निकला हुआ है, मुझे ना पतला होना है, उसके लिए मुझे बताइए, मैं कुछ भी करूँगा, मुझे बस पतला होना है। तो जिम ट्रेनर क्या बोलता है? ओके, वेरी गुड, मैं आपको हेल्प करूँगा। करिए आप एक काम करिए, 5 मिनट कार्डियो करिए, 5 मिनट साइकिलिंग करिए, 5 मिनट ट्रेडमिल करिए, फिर पुशअप्स करिए, फिर उसके बाद स्ट्रेचिंग करिए, और आज के लिए इतना ही है। ओके, इतना ही बोलता है वो। तो फिर वो आप करते हैं बिल्कुल जोश में, ओके 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 ओके, खूब पसीना निकलता है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, पानी वानी पीते हैं, उसके बाद आप निकल जाते हैं। मान लीजिए अब नीचे उतरने के बाद, मतलब अपने जिम से बाहर निकलने के बाद, बाहर एक बढ़िया सा गन्ने का जूस मिल रहा है, बाहर एक बढ़िया सा मिल्क शेक मिल रहा है, बढ़िया से छोले भटूरे मिल रहे हैं। तो यूजुअली के लोग क्या सोचते हैं, अरे यार छोड़ो यार जिम में, यार खाओ छोले भटूरे, है ना। और अगर मान लीजिए वो जिम ट्रेनर आता है आपके पास से निकल रहा होता है, तो आपको देख के क्या वो बोलता है? यूजुअली जिम ट्रेनर्स पता क्या बोलते हैं? और भाई सब ठीक हो, चलो कल मिलते हैं, कल मिलते हैं। वो आपको टोकता नहीं है कि यार तुम तो बोले तो तुम्हें पतला होना है और तुम यार ये खा रहे हो। यूजुअली जिम ट्रेनर्स ये नहीं बोलते, बिकॉज दे नो कि ग्रेजुअली धीरे 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 करके आप, जब आपके अंदर से आएगा ना कि यस आई एम रियली वेरी वेरी सिंसियर फॉर माई हेल्थ, तब आप अपने आप ही करेंगे। बट जिम ट्रेनर नोज कि इनिशियली इनको बस थोड़ा सा मुझे एक सही कल्चर में ढालना पड़ेगा, सो दैट एवरी डे जब ये जिम आए तो ये उस टाइम पे बस प्रॉपरली जिम करें और बाकी ग्रेजुअली इनकी आदत ठीक होगी। बट नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई नया पर्सन आता है, सर मुझे बहुत रुपये कमाना है, सर मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, सर मुझे नई गाड़ी खरीदनी है, सर मुझे BMW खरीदना है, वो बड़े बड़े सपनों की बातें करता है और आप सोचते हैं सब कुछ पॉसिबल है। यस वेरी गुड, एक काम करो, पहले ये सीखो, फिर ये सीखो, फिर ये सीखो, 3P, ठीक है, कंपनी का प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान, उस पर प्रोस्पेक्टिंग सीखो, 2 लोगों को बुलाओ, 3 लोगों को ज्वाइन कराओ, ये सब दुनिया भर की प्लानिंग आप कर लेते हैं, जैसे जिम ट्रेनर भी बोलता है। लेकिन अल्टीमेटली जब आप देखते हैं कि अगले दिन, अरे वो तो IPL देखने चला गया, अरे यार वो तो मूवी देखने चला गया, तब यूजुअली नेटवर्क मार्केटर्स क्या बोलते हैं, एक मेंटर की तरह वो क्या बोलते हैं, यार तुम तो बोल रहे थे कि तुम्हें BMW लेनी है, ऐसे BMW नहीं है कि यार तुम्हारी, ऐसे BMW नहीं ला पाओगे, ऐसे नहीं कर पाओगे, मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ, 2 प्रोस्पेक्ट को लेकर आओ यार, आगे काम करो। लेकिन नहीं, लेकिन अगर हम ऐसे करके हम बोलते हैं एक नए पर्सन को, तो उस केस में क्या होता है, वो धीरे धीरे करके आपसे दूर होने लग जाता है। तो साइकोलॉजिकली अगर हम देखें, एंड जैसे मैं बोलता हूँ कि बिजनेस इज लॉजिकल बट पीपल आर इमोशनल, इनिशियल लेवल पे जस्ट क्रिएट अ कल्चर वेयर, हो सकता है कि इनिशियली उनके ड्रीम बहुत बड़े हों, वरना वो कुछ करना तो चाहते हैं ना, तो इनिशियली जस्ट डोंट गिव देम टू मच ऑफ वर्कलोड, टू मच ऑफ एवरीथिंग, सो दैट ऐसा ना हो कि उनकी पर्सनल लाइफ को आप खराब मत करिए, ओके? क्योंकि उनकी आदतें धीरे धीरे करके ठीक होती हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में एक आदमी सक्सेसफुल तब होता है जब वो अपनी आदतों को चेंज कर लेता है, और वो आदतें इतनी जल्दी चेंज नहीं होती हैं। तो दैट्स वाई आई से कि मैनी जिम ट्रेनर्स आर बेटर बिजनेसमैन देन नेटवर्क मार्केटर्स। और यूजली जिम में क्या होता है, सिर्फ 5-6 लोग ही ऐसे होते हैं जो खूब अच्छे से जिम बॉडी बिल्डिंग कर रहे होते हैं, खूब पसीना बहा रहे होते हैं, है ना। तो जिम ट्रेनर का उनके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं होता, क्योंकि उनको पता है कि डंबल कैसे उठाना है, चेस्ट कैसे मारनी है, शोल्डर कैसे मारनी है, उनको पता है हाउ टू यूज़ दी मशीन्स, उसको पता है कि यार ये खुद ही कर लेगा, बस वो आता है और पीछे से शोल्डर में ऐसे करके करता है, शाबाश लगे रहो, बस ऐसे ही बोलता है, उसको कॉम्प्लीमेंट देता है, वाओ बाइसेप्स निकल रही हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हो, लगे रहो। लेकिन उसका फोकस होता है बाकी लोगों पे जो ठीक तरीके से डंबल नहीं उठा रहे, उनको प्रॉपरली हाथ पकड़ के दिखाता है, ऐसे करके उठाओ और 10 सेट मारो, ऐसे करते हैं ना, जस्ट टेक इट ईजी। दैट इज़ वॉट आई वॉन्ट टू शेयर इन दिस वीडियो, एंड आई होप कि आप लोगों को कुछ वैल्यूएबल कॉन्टेंट लगा हो इसमें। आई विश यू ऑल द बेस्ट इन योर बिजनेस एंड लाइफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।